फिरोजपुर स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड द्वारा फ्री क्रिकेट कोचिंग की शुरुआत मनोहरलाल स्कूल के ग्राउंड में की गई। इस क्रिकेट कोचिंग में सोसाइटी द्वारा एक शानदार टर्फ बनाई गई और नेट के अंदर लेदर की बॉल से अनुभवी क्रिकेट कोचों द्वारा फ्री क्रिकेट कोचों की शुरुआत की गई। इस मौके पर भाजपा नेता अनुमीत सिंह हीरा सोढ़ी मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य कोच की भूमिका में रामदेव कप्तान, मास्टर सुरेश, विजय सिंह, प्रेसिडेंट पवन शर्मा तथा अश्विनी राजपूत रहेंगे। सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि ये क्रिकेट अकेडमी बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई गई है, ताकि बच्चे अपना ध्यान खेलों में लगा सकें और नशों और मोबाइल आदि व्यसनों से दूर रहें। इस अवसर पर जसपाल सिंह जस्सा, राजू आनंद मेहरा, अमन द्राविड़, सुनील मेहता, अमित जैन, जोरा सिंह, कप्तान हंसराज, हैप्पी, राजेश बब्बा, हरदीप सिंह बंटी आदि उपस्थित रहे। एक बहुत ही इतिहासिक दिन है। क्रिकेट अपनी नेशनल स्पोर्ट तो नहीं हैगी, पर नेशनल स्पोर्ट तो भी वड्डी है, क्योंकि हर बंदे हर दिल दे विच क्रिकेट वसदी है। ते खास करके जे क्रिकेट दा दुनिया च पहचान हैगी ते इंडिया तो शुरू होंदी है। इंडिया तो बगैर क्रिकेट कितें नहीं हैगी। आई मीन जे इंडिया मिसिंग है तो फिर क्रिकेट ख़त्म हैगी। इंडिया, पाकिस्तान, वैसट इंडीज़, इंग्लैंड, तो इत्थे फिरोजपुर दे विच बहुत पुराना एक सुपना सी सारयां दा, क्योंकि इत्थों खिलाड़ी बहुत आए आ रहे है। आ नवा लड़का जिहड़ा अर्शदीप है, की नाम अर्शदीप गिल, ही ऑलसो फिरोजपुर नाल लिंक रखता है। फिर फाजिलका तो अपना लड़का शुभम इज़ प्रोडक्ट ऑफ फाजिलका, बेसिकली फिरोजपुर ही सी, फाजिलका तो हुण बनिया। सो एवें करके हुण बच्चों एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, जो इन्हों देख के होर प्रेरणा मिल गई इन्हों कि असी भी अगे वधीए। तो एक जिहड़ी है वेलफेयर सोसायटी, स्पोर्ट्स वेलफेयर सोसायटी, फिरोजपुर वेलफेयर सोसायटी ने एक बहुत नेक काम किया। आज सारे साथीगण बैठे, मैं किसी के नाल आवां तां सारे बैठे इत्थे जिहड़े भी ये रन कर रहे, तो इन्होंने एक बहुत वधिया उपराला इन्होंने किया कि एक स्पोर्ट्स अकैडमी खोल के, क्रिकेट स्पोर्ट्स अकैडमी खोल के, ये बच्चों वास्ते, तुसीं फ्री का वर्ड यूज़ किया, बच्चों वास्ते फ्री है, नॉट फॉर पीपल हू आर सपोर्टिंग इट। इन्हां वास्ते तो पैसे लगते पे है। तो यह बहुत वड्डा नेक काम किया सारिया ने, साथियों ने। मैं इन्हां नूं वधाई दिना कि इन्होंने एक सांझा काम सोच के बच्चों ते फिरोजपुर वास्ते उन्हों अगे लियान वास्ते, स्पोर्ट्स मैप के उत्ते, क्रिकेट मैप के उत्ते अगे लियान वास्ते इन्होंने इस अकैडमी का उपराला किया। हीरा जी, कितने ना कि नशे की ठल पाने लिए चीज़ां जरूरी भी सीगियां फिरोजपुर के। 100% स्पोर्ट्स इज़ वन थिंग जिहड़ा कि बच्चों का ध्यान टोटली डाइवर्ट कर दिता होंदा है। आपां इन्ने साल हो गए, क्योंकि बच्चों कोई खेड मैदान, बच्चों कोई इहो जिहे सहूलत नहीं मिलियां, तां ही बच्चे अपने इधर उधर हो गए। जो आप सारे पुराने टाइम के जो असी छोटे सी, या तुसी भी यंगस्टर्स है जिहड़े नाल दे हम उम्र बैठे है, उदों सिर्फ ना कोई टीवी हुंदा सी, सिर्फ खेडी दा हुंदा सी, आके स्कूल तो आके वापस आके या क्रिकेट बैट चक लीदा, या वॉलीबॉल खेल ली दी सी, या कबड्डी खेल ली दी सी, ये असी रोज़ शाम नूं गेमां लगदियां हुंदियां। अज कल वो सिस्टम खत्म हो गया। हाँ, ये काफ़ी समय से हम लगे हुए हैं जी। पहले इससे पहले हमने टूर्नामेंट करवाया था, उसके बाद हमारी ये था कि इस टूर्नामेंट के बाद हमें कुछ कोचिंग सेंटर स्टार्ट करें, जिसमें हमारे फिरोजपुर कैंट के बच्चे हैं, इनको एक्चुअली जो सेंटर है वो सिटी में है, तो वहाँ जाने में उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, कैंट वाले सिटी में बच्चे में जाने बहुत दिक्कत, इसलिए हमने कोशिश की भी यहाँ पर एक जो है अकेडमी खोली जाए कैंट के अंदर, ताकि हमारे ये कैंट के बच्चों को जो है सुविधा मिल सके, इतनी दूर जाना ना पड़े। तो इसके अंदर हम जो है उनको बच्चों को फ्री कोचिंग के लिए जो है हम यहाँ पे सेवाएं देंगे अपनी, और आगे कोशिश भी करेंगे ये जो है कंटिन्यू आगे चलती रहे और इसको और इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है। हाँ बिल्कुल, इससे रिलेशन से देखो जी, सबसे बड़ी बात आज राणा सोढ़ी साहब ने जो कही है, अभी सोढ़ी साहब ने हमारे सामने कही है कि भी डिसिप्लिन मेन हमारा मकसद ये है, अभी कि बच्चों को जो यहाँ पे इसको जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स के अंदर जो क्रिकेट ही खेलनी है, और चीज़ें बड़ी सीखने को मिलती हैं डिसिप्लिन के लिए। यार ये दोस्त अच्छे बनते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ अच्छे रिलेशन बनते हैं, बड़ों से रिलेशन बनते हैं, मतलब कि स्पोर्ट्स के अंदर आने से बहुत चीज़ें गेन करते हैं बच्चे यहाँ पर। तो हम चाहेंगे भी जो बच्चे यहाँ आएंगे हर चीज़ की उनको सुविधा भी दी जाए, हर प्रकार की जो उनको चाहिए, और आगे से मतलब कि उनको बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस भी मिले, जिसके लिए हमारे पास जो है दो तीन हमने अपने जो यहाँ पे कोच भी है, जो हमारे पास जो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट
उनको मतलब कि कोई ऐसी पे वगैरह नहीं दी जाएगी, जो यहाँ फ्री सेवा करेंगे जो बच्चे यहाँ की हमारी अकेडमी में के अंदर आएंगे। जी मेरा हमारा ये सोसाइटी का मेन मकसद ये है कि बच्चे यहाँ पर आएंगे और बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे, जिससे कि बच्चों का दिल जो है गेम में लगे और बच्चे नशे से दूर रहें और गलत काम की बजाय अच्छे काम में लगे। इससे बच्चों की फिटनेस रहेगी और बच्चों को अच्छी सीख मिलेगी और बच्चे बिल्कुल नशे से दूर रहेंगे। जो कोचिंग है फ्री दी जाएगी? बिल्कुल कोचिंग फ्री दी जाएगी जी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, सब खर्चा जो है ये सोसाइटी उठाएगी। जो आपका टाई अप है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से है कोई ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे से आगे बच्चे हमारे जल्दी से जल्दी ट्रेंड होकर आगे से आगे निकलते रहें और बच्चों को हम अच्छी कोचिंग देकर बच्चों को अच्छे लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा बच्चों को हमारे। भाई जी ये फिरोजपुर की धन्यवाद है फिरोजपुर वालों का, नंबर एक। नंबर दो, जो मैनेजमेंट कमेटी जो कोचिंग उनका भी धन्यवाद, उसके बाद इनके ऊपर जो जो हाथ रखेगा उनका धन्यवाद, उसके बाद ये बच्चे जो तैयार कर रहे हैं उनका धन्यवाद, और आने वाला भविष्य इन्हीं बच्चों का है, इन्हीं चीज़ का है। ये क्रिकेट की कोचिंग लेते रहेंगे, नशा मुक्त रहेंगे, ये फिरोजपुर का नाम रोशन करेंगे आने वाले भविष्य में, इसमें नो डाउट। और ये मनोरमा स्कूल की वो ग्राउंड है जहाँ इंटरनेशनल इंडिया लेवल के खिलाड़ी भी आकर के खेलते रहे। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ सरकार से भी इन कोच इस मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर फंड से हाथ रखें और इनको कोई दिक्कत ना आए, और इनका जो रिजल्ट है वो आने वाला समय आपके सामने स्पष्ट है। जो ये कोचिंग दी जा रही है ये कैसे दी जा रही है, पैसे से दी जा रही है या फ्री दी जा? नहीं, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई रो नहीं, तन मन और धन सब चीज फ्री है, तन से भी फ्री है, मन से भी फ्री है और धन से भी फ्री है। जो काफी देर से, हाँ जी, और इन्होंने टूर्नामेंट कराया और बहुत से पुराने खिलाड़ी हैं ये, यहाँ पे पोनी जी हैं, रामदेव जी हैं, हमारे दीना जी खड़े हैं, सोनलाल खत्री जी हैं, श्यामलाल जी हैं, ये ओपनिंग करते रहे हैं, ये यहाँ आने वाले भविष्य के ही खिलाड़ी हैं और यही को लोग कोचिंग देंगे इन बच्चों को, और ये देखने लायक चीज़ें होगी। इतनी बढ़िया रूपरेखा है जिसका कोई मैं बयान नहीं कर सकता, सरकार हाथ रखे इनके ऊपर। फिरोजपुर छावनी से सेंट सोल्जर टाइम्स के लिए अरुण मेहरा की रिपोर्ट।